नमस्कार। शनिवार दोपहर एक बेहद दुखद खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता का निधन हो गया। फेफड़ों के इन्फेक्शन से जूझ रही साधना का लंबे वक्त से इलाज चल रहा था। तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अफसोस उन्हें बचाया नहीं जा सका। जाहिर है साधना का जाना पूरे मुलायम परिवार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ऐसे में तमाम लोग पूरे परिवार को सांत्वना दे रहे हैं और शोक व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इस बीच अखिलेश की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मां के गुजर जाने पर अखिलेश ने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा न कहा। हाँ, समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल की तरफ से लिखे गए पोस्ट को रीट्वीट जरूर कर दिया। बस इसी को लेकर लोगों ने उनकी खूब आलोचना की। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से लिखा गया, समाजवादी पार्टी के संरक्षक आदरणीय नेताजी की पत्नी श्रीमती साधना यादव जी की मृत्यु अत्यंत दुखद, भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब इस ट्वीट में सिर्फ नेताजी की पत्नी के तौर पर साधना गुप्ता का जिक्र हुआ है, अखिलेश की माताजी के तौर पर नहीं। इसी ट्वीट को अखिलेश ने शेयर कर इतिश्री कर ली। हैरानी की बात यह है कि मां के लिए एक शब्द तक न लिखने वाले अखिलेश दो दिन पहले जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हुए हमले को लेकर ट्वीट कर रहे थे। उन्होंने लिखा, शिंजो आबे पर हुए कातिलाना हमले की विश्व स्तर पर घोर निंदा की जानी चाहिए। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ एवं जीवन के लिए कामना करते हैं। असहमति और नाखुश होने का तात्पर्य ये नहीं कि लोग हिंसक हो जाएं। हालांकि बाद में खबर ये आई कि शिंजो आबे भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। तो ये जो ट्वीट अखिलेश यादव ने किया, इसी को लेकर लोगों ने अखिलेश यादव को घेर लिया। एक यूजर ने लिखा, रे मूर्ख मती, साथ में हमारी पूज्य माता जी भी तो लिख सकते थे। क्या करें, जो वस्तु बाजार हाट में भी नहीं मिलती उसे कहां से ला कर दें आपको। और अंत में माताजी गोलोकवासी हो, इसी कामना के साथ श्रद्धांजलि। एक और यूजर ने लिखा, संस्कार और धर्म घर से ही मिलते हैं। यहां पार्टी शोक व्यक्त कर रही है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी खुद शोक व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने भी मुलायम सिंह यादव की पत्नी के लिए शोक व्यक्त किया था। एक और यूजर ने लिखा, कैसा बेटा है रे तू, मां के निधन के बाद कोई शोक संदेश नहीं, सिर्फ पार्टी के हैंडल से किया गया शोक संदेश को रीट्वीट कर दिया, बस हो गया शोक संदेश। ऐसा कन्वर्टेड पुत्र प्राप्त करके क्या फायदा रहा होगा मुलायम जी। कोई बात नहीं, हम अपना फर्ज अदा करें, ईश्वर साधना जी की आत्मा को शांति दे। एक और यूजर ने लिखा, अखिलेश जी ने भी यही ट्वीट रीट्वीट किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अखिलेश जी की माताजी या अखिलेश जी ने माताजी का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ नेताजी की पत्नी लिखा है। एक और यूजर ने लिखा, आपकी माताजी भी है, अगर आपके पिता से इनकी शादी हुई है तो शर्म करो टीपू सुल्तान। वैसे अखिलेश की चुप्पी पर ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी आपको बताते हैं। साधना गुप्ता मुलायम की दूसरी पत्नी थी, यानी अखिलेश की सौतेली माँ। कहा जाता है कि अखिलेश पिता के इस फैसले से बहुत नाराज थे। उन्हें आज भी इस बात का मलाल है कि उनकी माँ को उनका हक कभी नहीं मिल पाया। यही वजह है कि अखिलेश और साधना के बीच के रिश्ते कभी भी मधुर नहीं रहे। इसी वजह से अखिलेश और उनके सौतेले भाई प्रतीक यादव के बीच भी कभी सब कुछ ठीक नहीं रहा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर।